नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं रजनीश आज फ्राइडे फेबल्स के पेज पर आपके सामने उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर, मलबे का मालिक। मीनवाइल आप सब जब तक आ रहे हैं तब तक थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ मैं, होपफुली कोई खराबी ना हो। ऑल राइट, सो मैं रजनीश आप सबका स्वागत करता हूँ फ्राइडे पेबल्स के FB पेज पर। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं मलबे का मालिक, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने, तो बड़े ही अच्छे राइटर हैं। हेलो प्रीति जी, कैसे हैं? यस, सो होपफुली मैं विजिबल हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम रजनीश है और मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ और यहाँ अपनी कंपनी चलाता हूँ, मैकगफिन फ्रेम नाम से है, जो क्रिएटिव वीडियोस बनाती है। और मेरा खुद का एक शौक है कहानी सुनाने का, मेरा खुद का एक FB पेज है, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो यूट्यूब चैनल लाइव स्टोरी टेलर के नाम से है, आप रजनीश शर्मा स्टोरीज से भी चेक कर सकते हैं। और मैं फेसबुक पर रजनीश शर्मा इंडिया के नाम से हूँ और इंस्टाग्राम पे रजनीश 2312, तो आप चेक कर सकते हैं, मैं हर रोज कहानियां सुनाता हूँ वहाँ पे। तो आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने वो है मलबे का मालिक, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। तो हेलो प्रभजोत जी, हेलो पूर्वा जी, वेलकम, आप सबका स्वागत है। तो जब मैं कहानी सुना रहा हूँगा तो आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कोई बातचीत कोई सवाल हो तो हम कहानी के बाद कर सकते हैं। तो आइए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आज की कहानी मलबे का मालिक, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। तो मोहन राकेश जी का जो जन्म है वो 7 जनवरी 1925 को हुआ था और वो नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA किया और जीविकोपार्जन के लिए अध्यापक, कुछ वर्षों तक सारिका के संपादक भी रहे, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित भी हुए। वो हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विद्या की सबसे सुंदर कृतियों में से एक मानी जाती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास है जिसमें से अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न जाने वाला कल, नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, कहानियों के संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, निबंधों के संग्रह है परिवेश, अनुवाद किए हैं मृच्छकटिक, शाकुंतलम, यात्रा वृतांत है आखिरी चट्टान। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी मलबे का मालिक। पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखना तो एक बहाना ही था, उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ रही थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां हर चीज को देख रही थी जैसे वो शहर साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वो एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। वो देख फतेह दीना, मिश्री बाजार में अब मिश्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर मुखी भटियारन की भट्टी थी ना, जहां अब वो पान वाला बैठा है। वो ये नमक की मंडी देख लो खान साहब, यहां की एक एक ललाइन वो नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे ही लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखें में हैरानी भर जाती तो कहीं अफसोस गिराता। वल्लाह, कटड़ा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सबके मकान जल गए? यहां हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहां एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दिए जाते थे, वली ये मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती शहर के लोग उत्साहपूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग जब भी मुसलमानों को आते देखते तो शंकित से रास्ते से हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनके बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आए हुए मेहमानों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले सी रौनक होती है या नहीं, अरे सुना है शाह आलम के बाजार का पूरा नया है।
कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई ना। वहां का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुरका बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। इसके हालात जानने के लिए वो उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बासा, अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बांस और शहतीरों की ही दुकानें थी जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर को जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग काबू में तो आ गई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के चार चार छह छह घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब सा वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन की चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बच चले थे उनमें शायद लौट कर आने की हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर को मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसने निश्चय नहीं हुआ कि वो वही गली है या नहीं जिसमें वो अब जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा काड़ा खेल रहे थे, कुछ दो तीन औरतें ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए हुए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर कहा, ओ इधर आ बेटे, इधर आ, देख तुझे चिज्जी देंगे, आ जा। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसके होंठ बिसुर लिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बांह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बांह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बांह से उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, आ चुप कर मेरे वीरा, अरे रोएगा तो तुझे वो मुसलमान पकड़ के ले जाएगा, आ ओ मैं वारी जाऊं अपने वीर से, और मेरे चुप कर जा। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था ना, वो वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था, घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर ही बंद दुकानों के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंची ऊंची शहतीरियां रखी जाती थी, वहां अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीजें बिल्कुल चढ़ होकर बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वो कई पाल धूप और उन जर्रों को देखता रहा और फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक लड़का चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुड्ढे को वहां खड़ा देखकर उसने रुककर पूछा, हां जी मियां जी, यहां किस तरह खड़े हैं? बुड्ढे मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेर कर लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे तेरा नाम मनोरी तो नहीं? लड़के ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले बेटे तू इतना सा था, ये कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने अपना नया मकान बनाया था।
ओ गनी मियां, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियां हूं। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत देख लूं। और उसने टोपी उतार कर सिर से हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले यहां से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्शी थी कि पहले अकेला निकल कर चला गया। यहां रहता तो उनके साथ मैं भी। और वो कहते कहते उसे एहसास हुआ है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने मुंह में बात रोक ली, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बांह पकड़कर कहा, आइए आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है, चुराम दासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन ने उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वो मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही जो औरतें गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर लेकर चली गईं। और गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन औरतों ने पुकार पुकार कर घरों में बुला लिया। मनोरी जब गली को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था, या कुएं के साथ हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया हुआ दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें से हल्की हल्की बातें शुरू हो गई थी। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिराग दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वो आपका मकान था, मरोनी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठर ठिठर कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग उसके बीवी बच्चों की मौत को वो काफी अरसे भूल तो गया था, लेकिन गनी पल भर के लिए ठिठर फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वो काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई ना, उसके लिए वो तैयार नहीं था। उसकी जवान में पहले से ज्यादा खस्ती आ गई और वो घुटने घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। वो मलबा? उसने अविश्वास स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा, उसकी बांह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन दिनों ही जला दिया गया था। मनोरी ने ठंडी सांस ली थोड़ी। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें न जाने कब का निकाल लिया गया था, केवल केवल जले हुए दरवाजे ही बाकी रखे थे। चौखट न जाने कैसी बचे रह गई जो मलबे में से बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर जली हुई अलमारियां और बाकी थी, जिनकी काली अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, ये रह गया है सिर्फ ये। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वो जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया, और क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीन। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे छड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक कैचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नली के साथ बनी ईंटों पर पटरी पर सरसराने लगा। वो अपने लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा जरा सा सिर उठाता, मगर दो एक बार सिर पटक कर और निराश होकर दूसरी ओर मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उनमें बातें चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही
गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और वो एक मिनट में आकर एक बड़ी जरूरी बात सुन जाए बस। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था, चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर नीचे खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार, ओ हाय ओए मुझे बचाओ, जुबैदा जुबैदा मुझे बचा। और ऊपर से जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग के जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटनों से दबाए हुए बोला, ओ चीखता क्यों है भैण के, हैं? तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने आसपास के घरों की खिड़कियां बंद कर ली। दरवाजे बंद करके वो इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था अपने आप को। बंद किवाड़ों से भी उन्हें देर तक जुबैदा किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तब्दील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था तो ना जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही तो चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की तो नौबत बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां वो ना किसी को गाय भैंस बांधने देता और ना खोंचा लगाने देता, और मलबे से बिना उसकी अनुमति से कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा करते रहे कि सारी कहानी जरूर किसी ना किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाहों में लिए रो रहा था। बोल चिराग दीन, बोल, ओए तू कहाँ चला गया, ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को कहाँ छोड़ दिया, ओए। और भुरभुरे किवाड़ से कड़ी के रेशे झड़ते हुए जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया और वो वैसे ही जाग गया, ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया हुआ है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठा है जिससे उसे खांसी हुआ ही और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती में धौंकने का सा स्वर निकला और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है, उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने आकर पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे हुआ, मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग के कारण घर घराई हुई आवाज में कहा, मगर वो वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा, वो बैठा है तो बैठा रहने दे, वो तू चिलम ला। उसकी टांगे थोड़ी फैल गईं और उसने अपनी टांगों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो नहीं है, लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मनोरी की तो शामत आई है क्या, लालचे। कुएं पर पीपल पर पुरानी पत्तियां बिखरी थी, रखा उन पत्तियों को उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी से गनी की बात नहीं हुई, नहीं ले,
और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दिया। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बांह पकड़े हुए आ रहा है। वे उठकर चिलम को चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बांह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे निकल जाए, मगर रखा जिस तरफ बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा सी छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट हुई पर वो बोला कुछ, रखे पहलवान मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, ओ मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में देखकर उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को ही, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया ना देखकर वो उसी तरह रह गई। वो पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में बातें तेज हो गई थी कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज हो। और अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का, मलबा तो सरकार की मलकियत है, किसी को गाय का खूंटा लगाने नहीं देता। मनोरी भी डरपोक है, उसको गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे नहीं चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है, रखा आदमी नहीं है, सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं के सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान क्या से क्या हो गया है, भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहां मिट्टी देखने आया हूं, बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तो सच पूछे रखे, तो मेरा ये मिट्टी छोड़कर भी जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगे समेट ली और अंगूठा कुएं की मुंडेर से उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वो कश खींचने लगा। तू बता बता रखे, ये सब किस तरह हुआ? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग तो उसके पास थे, सब में भाई भाई सी मोहब्बत थी, अगर वो चाहता तो वो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था, उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है, रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक रहे थे, उसकी मूछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था, उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गलों की नसों में तनाव आ गया था, उसने अंगूठों को बगलों में पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच कर गली में थूक दिया। मैं क्या बताऊं रखे, यानी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछो तो वो खुदा ही जानता है, मेरा चिराग होता तो और बात थी, रखे मैंने उसे समझाया था मेरे साथ चला चल, मगर वो अड़ा रहा, नया मकान कैसे छोड़कर जाऊं, यहां अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। ओए भोले कबूतर ने ये नहीं समझा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है, मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जवानी आई तो रखे के रोके ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी, उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था।
पेट की अंतड़ियों से पास से कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तुलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने तैरते हुए निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा ही महसूस होता आ रहा था। उसने अंगोछे के होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, सच्चियां तू ही है, तू ही है, तू ही है। गरी ने लक्षित किया कि पहलवान के होंठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हुए हैं, और वो उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, ओ जी हल्किया ना कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से सुकृत सी मृदम सी आवाज निकली, अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला आया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर बातें चलती रही कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का ताल्लुक किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जो बैठा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखे मरदूत का न घर न घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में औरतें घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और दो 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए पूछा, ओ रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। वो आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, और फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली से बाहर बाई ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वो रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुक्से बताया करता था। मगर उस दिन वो लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वो गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वो रोज की आदत से मुताबिक उसे धक्का दे देकर हटाने लगा, धक धक धक, और भैंस को हटाकर वो सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती ना होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मिट्टी में से निकल रही थी। तभी एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितर गए। कौवे के वहां बैठते ही मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वो पंख फड़फड़ाकर उड़ा और उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, हट, हे, दब, दब। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं के सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई पुरानी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वो एक बार
कान झटक कर मलबे के पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। तो ये थी कहानी मलबे का मालिक, लिखा था मोहन राकेश जी ने। बहुत ही अच्छी कहानी है, पार्टीशन के दौरान हुई बातों पर लिखी हुई कहानी एक कहानी है और बहुत ही इमोशनल कहानी है। आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और आपके कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत ही शौक़ है और मेरा खुद का एक पेज है बाय द नेम रजनीश शर्मा इंडिया ऑन FB, तो मैं वहाँ पर हर रात 9 बजे लाइव आता हूँ। और अगर फिर भी मेरी पुरानी कहानियाँ आपको सुनने का मन हो तो YouTube पर जाकर आप लाइव स्टोरी टेलर या रजनीश शर्मा स्टोरीज टाइप कर सकते हैं, वहाँ आपको कहानियाँ मिल जाएंगी मेरी कहानियाँ, आप मेरी बीती सारी कहानियाँ सुना सकते हैं। पार्टीशन के ऊपर मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, तो वहाँ जाकर आप ये कहानी सुन सकते हैं। और मैं तहे दिल से फ्राइडे फेबल्स पेज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे नई ऑडियंस के सामने रूबरू होने का मौका मिला, और आप सबको कहानी सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये कहानी थी मलबे का मालिक, और थैंक यू तेजेश्वर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, आपको स्टोरी पसंद आई। हेलो निशा, आपको स्टोरी पसंद आई। आप थैंक यू नम्रता जी, आपने स्टोरी सुनी। और हेलो रवि जी, गुड मॉर्निंग। हेलो नारपाल जी, कैसे हैं आप? हेलो वरुण सर, हाउ आर यू? हेलो गीतांजलि मैम, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। हेलो सुहर्ष जी, कैसे हैं आप? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने आज ये स्टोरी मलबे का मालिक सुनी। तो अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो मैं हर रात 9 बजे लाइव आता हूँ फेसबुक पर रजनीश शर्मा इंडिया के पेज पे, तो आप वहाँ जाकर स्टोरी सुन सकते हैं। और मेरी बीती सारी कहानियों में से सुनने का, अगर कोई कहानी सुनने का मन हो तो मैं YouTube पर मैं सारी कहानियाँ अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ जाकर कहानियाँ सुन सकते हैं। और लाइव स्टोरी टेलर या रजनीश शर्मा स्टोरीज, आप ये टाइप करें सर्च उसमें टैब में और आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। तो आपके कोई सवाल हो कहानियों को लेकर के या कोई नई कहानी सुनना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं वो कहानियाँ आपके लिए नरेट करूँ। तो मैं और मोहन राकेश जी के बारे में, जैसे मैंने बताया कि उनको संगीत नाटक अकेडमी मिला था, और उनकी सबसे जो फेमस चीज़ है, फेमस राइटिंग है, वो है अषाढ़ का एक दिन नाटक है। तो मैं थिएटर करता रहा हूँ और करता हूँ तो मुझे पता है, और ये सबसे फेमस नाटक है हिंदी लिटरेचर में, वन ऑफ दी पायनियर कह सकते हैं कि प्ले राइटिंग में प्ले राइट रहे हैं वो। और अषाढ़ का एक दिन, अगर आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप जाइए मोहन राकेश की कहानियाँ पढ़िए, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, तो आप जाइए ढूंढिए और सुनिए। थैंक यू राकेश जी, आपको कहानी पसंद आई, और थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। राइट, तो आपको और भी कहानियाँ सुननी हैं तो हर रात 9 बजे मैं कहानी सुनाता हूँ, आप आइए मेरे पेज पर लाइव आइए और सुनिए। और फिर भी पुरानी कहानी जो सुनाई हुई है वो सब आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो डैट्स इट, आज काफ़ी लंबा टाइम लगा लिया मैंने आपके साथ, आधे घंटे से ऊपर का समय आप लोगों के साथ लगाया है, जिसमें से ज़्यादा वक्त कहानी नहीं लिया। और आपके कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, आप नीचे कमेंट करिए। कोई नई कहानी आप सुनना चाहते हो कि किसी जो आपने कभी पढ़ी हो और आपको दोबारा सुनने का मन हो, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं वो कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड फिर से मैं फ्राइडे फेबल्स पेज का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नई ऑडियंस के सामने रूबरू होने का उन्होंने बहुत ही अच्छा मौका दिया। एंड ऑल राइट, तो अगले सप्ताह फ्राइडे फेबल्स के पेज पर एक नए नैरेटर के साथ आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, और मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, टेक केयर, और लॉकडाउन में सब अपने घरों पर रहें और ध्यान रखें, कुछ नया करें और नया सीखें। बाय बाय।